Welcome, my YouTube family. How are you all doing? Today we are making pizza at home. We already have this ready-made base. We're using naan, and we have some pizza sauce. And as you can see, we already started to put the sauce. I'm just putting about like a spoon and a half and spreading it all over the pizza. My mom is also helping me. She's just cutting some vegetables, and she's getting like chicken cubes, and we're going to add this and put it as the topping. Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope aap sab khairiyat se honge. Hum sab bhi khairiyat se hain, mazay mein alhamdulillah. Aur aaj hum homemade pizza bana rahe hain, lekin pizza ki base humne ready made use kiya hai. Hum logo ne hamare paas ghar mein naan pade hue the aur humne socha ki hum naan ke upar pizza banate hain. और ये नान के साथ हम सारी टॉपिंग लगाएंगे. टॉपिंग सारी जो है ये घर में बना रहे हैं हम लोग. ये चिकन है जिसको मैंने छोटे छोटे चंक्स बनाए थे और उसके वो मैंने हल्का सा फ्राई किया था ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा सोया सॉस डाल के. दैट्स इट, नथिंग एल्स. और अब मैं इनको बिल्कुल, मैंने वैसे तो चिकन ब्रेस्ट के पीस लिए थे, बहुत छोटे किए थे, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा सा और छोटा पीस कर रही हूँ ताकि वो इक्वली सब पिज्जे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें. यहाँ पर हम लोग ये जो मज़रोला चीज़ होती है, मज़रोला चीज़, ये हम इसको श्रेड करें और इसके साथ हम ग्रीन पेपर लेकर आएंगे और साथ मशरूम लेकर आएंगे. तो हम आपको जैसे जैसे हमारी टॉपिंग रेडी होंगी हम आपको दिखाते जाते हैं. जी वेलकम बैक. यहाँ पे हमारी टॉपिंग रेडी हो गई है. ये हमने मशरूम काट ली हैं, ग्रीन पेपर काट ली हैं, हमने अनियंस काट ली हैं. हमारे पास से जो चिकन आपको दिखाया था ये नीचे चिकन है. ये हमारी चीज़ रेडी हो चुकी हुई है. अब हम इसके ऊपर टॉपिंग करने लगे हैं. जी और यहाँ पे हम अब अपनी टॉपिंग रेडी कर रहे हैं. हम इसके ऊपर चीज़ लगा रहे हैं. So this is what it looks like. Now we're just going to quickly put it in the oven and we'll come back. जी वेलकम बैक. और यहाँ पे हमारा पिज्जा बन रहा है और यहाँ पे मैंने कुछ ग्रोसरी की थी, कुछ बड़ी अच्छी ब्लूबेरीज मिल गई हैं, उनको वॉश कर रही हूँ, वॉश करके रखूंगी. कुछ ये बहुत ही अच्छी हमें रेसबेरी मिल गई थी, ये भी बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस और फ्रेश हैं. ये भी हम वॉश करके इनको साइड पे रखेंगे. और ये मशरूम्स हैं, इनको मैं वॉश करके काट के रखूंगी. कुछ ग्रीन पेपर थी जो मैंने पिज्जे के ऊपर डाली हैं, जो हमारी लेफ्ट ओवर थी वो इस तरह से मैंने चॉप करके इनको स्टोर कर लिया है जिप लॉक बैग में. और इसी तरह कल परसों, ये मार्च ब्रेक का वीक चल रहा है और कल परसों अगर बच्चों का दिल किया तो दोबारा से ये पिज्ज़ा बन सकता है. और हमने ऑल्सो जो चीज़ है हमारी वो भी हमने स्टोर कर लिया है. जो चीज़ हमारी बची थी हमने क्रश जो थी, हमने उसको ग्रेटेड चीज़ जो थी इस तरह से मैंने जिप लॉक बैग में डाल के और इसको इस तरह से रख लिया. इसको मैं फ्रीजर में डाल दूंगी. तो मतलब ये कि चीज़ें जो हैं ये यूज़ होती रहती हैं बच्चों वाले घर में. बच्चे हों तो माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इवन जो बड़ी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे बड़े भी हो गए उनके घर में भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं. और मैं इस तरह से ये चारों चीज़ है उसको भी इस तरह से मैं स्लाइस करके इस तरह से काट के रखती हूँ ताकि बच्चों का दिल किया वो फ्रिज में से निकाल के आप उसको इस तरह से कवर करके रख दें, वो आराम से खा सकते हैं. उनके लिए बड़ा अच्छा और हेल्दी स्नैक हो जाता है. तो अब आपको पिज्ज़ा दिखाते हैं. पिज्ज़ा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, उसके लुक आपको दिखाते हैं. जी ये देखें, मैंने ये सारे मशरूम इस तरह से काट लिए, स्लाइसेस बना के रख ली हैं. अब मैं ये मशरूम और ये जो मैंने ग्रीन पेपर जो काट के रखी थी इनको सबको मैं मिक्स करके रख दूंगी. और जिस वक्त भी आपको ज़रूरत हो आप इसको फ्रिज में से निकालें, आप टॉपिंग यूज़ कर सकती हैं. अगेन जैसे मैंने बोला कि बच्चों वाले घर में छोटे छोटे स्नैक्स किसी ना किसी तरह हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है. ज़रूरी नहीं है हर वक्त आपने पिज़्ज़ा ही बनाना है, आप छोटी छोटी पैटीज बना सकते हैं. बहुत सारी चीज़ों में ये टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं आप, के बच्चों को कलरफुल टॉपिंग अच्छी लगेंगी और वो खाएंगे, उनको मज़ा आएगा, घर की बनी हुई चीज़ें खाएंगे. तो ये मशरूम्स जो हैं ये बहुत अच्छे मुझे मिल गए थे आज, सिर्फ $3 के मुझे मिले, बहुत ही अच्छे, आई एम वेरी हैप्पी. और इसके साथ जो है मैंने इनको स्लाइस कर लिया और ये बड़ी अच्छी क्वान्टिटी में मुझे मिले, वेरी फ्रेश. तो इसीलिए मैंने इनको इसी वक्त धोकर और फटाफट स्लाइस करके रख लिया कि बिफोर दे गो बैड. और इनको मैं साथ ही रख कर फ्रिज में रख लूंगी. गाइस सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर पिज्जा एंड एज यू कैन सी इट लुक्स रियली गुड. इट हैज द चीज हैज मेल्टेड फुली. द टॉपिंग्स लुक रियली गुड एज वेल. सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिश दिस आउट एंड शो यू एंड एंड द वीडियो.
जी वेलकम बैक। और जैसे आपने देखा हमने पिज्जा को पिज्जा कटर के साथ काट लिया है। ये माशाल्लाह रेडी हो चुका हुआ है और इंशाल्लाह ताला बहुत मजे का बनेगा। आप लोग भी ये रेसिपी अपने घर में तैयार करें। और जैसे मैंने आपको कहा कि मार्च ब्रेक है और उसमें ये सब चीज़ें स्नैक्स वगैरह काफ़ी चलते हैं, बच्चों को जो चीज़ अच्छी लगती है वही ज़्यादा बनानी चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस होना भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को हेल्दी चीज़ें दें, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की जो पसंद की चीज़ें होती हैं वो बनाएं तो बच्चे और भी खुशी से खाते हैं वो चीज़ें। सब इस वक्त हम जो है रात का टाइम हो रहा है, हम ये पिज्ज़ा जो है वो हमारे डिनर में खाने लगे हैं। मेरी बेटी छोटी वाली जो है वो इस वक्त कारी साहब से सिपारा पढ़ रही है, वो सिपारा पढ़ के आएगी तो हम इंशाल्लाह ताला डिनर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है यहाँ पे और शाम हो गई भी है। हमारे यहाँ 1 आवर फॉरवर्ड हो चुका हुआ है तो इस वक्त 7:30 हो रहे हैं। और इस वक्त देखिए आप बहुत ही काम, बहुत ही क्वाइट हुआ है बाहर। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक नए व्लॉग में हम दोबारा हाजिर होंगे। आप हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो डे टू डे चीज़ें हम घर में अपने करते हैं वही मैं आपको दिखाती हूँ और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही दिखाती रहूँगी। और ये हमारा लिविंग रूम है, किचन की टेबल पर कुछ ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको हमने ठीक करना है तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अब आपसे इजाज़त लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक एंड कमेंट शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और अपनी सपोर्ट करते रहें, अपनी फीडबैक देते रहें। अब यहाँ से अस्सलाम वालेकुम, तो खुदा हाफिज़। ओके, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती रहेगी। और इस नोट के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको खैरियत से रखें, अपनी हिफाजत में रखें और इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।